हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू। लास्ट वीडियो में हमने इसका चैप्टर टू देखा था और इसमें हम चैप्टर थ्री पढ़ने वाले हैं और ये क्लास टेंथ के एसएससी बोर्ड का चैप्टर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट पे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेस, अलग अलग लाइफ प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि इसमें से कुछ लाइफ प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन, रेस्पॉन्स यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब। मतलब जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने में यानी जिंदा रहने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा, मतलब लाइफ प्रोसेसेस के अलावा, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक और लाइफ प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये तो सिर्फ इंसानों को जिंदा रहने में तो नहीं हेल्प करता, मतलब सर्वाइव करने के लिए नहीं हेल्प करता, लेकिन ये अपने जैसा ही सेम स्पेसिस आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, उसे ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यहाँ पे रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इन सेम स्पेसिस बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि अपने जैसा ही सेम ऑर्गेनिज्म जो पहले से ऑर्गेनिज्म है उससे ही दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, जैसे ही इंसान के थ्रू ही दूसरा इंसान को प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टर है और इसके लिए जो इवोल्यूशन होता है वो हर एक स्पेसिस में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो मेथड से होता है, एक है असेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम पहले आज बढ़ते हैं असेक्सुअल पॉइंट की तरफ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ये ऐसा प्रोसेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस तो किया जाता है किसी सेम स्पीसीज से, लेकिन इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होता, इसलिए इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर दो अलग अलग डिफरेंट गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। और इसमें क्या होता है कि जो ये रिप्रोडक्शन होता है ये माइटोटिक सेल डिवीजन के वजह से होता है। ये क्या, देखिए इसको ध्यान से, ये जो मैंने जो बनाया है वीडियो, इसमें मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ मेन मेन पॉइंट्स जो हमें याद रखना है। यानी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, इसमें विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स यानी कोई भी ना फीमेल गैमेट्स ना ही मेल गैमेट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये जो होता है रिप्रोडक्शन इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन के वजह से ये होता है। फिर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पहले हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर में किस टाइप से होता है। पहला है इसका रिप्रोडक्शन होने का पहला जो टाइप है वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, यानी हम लोग यूनिसेलुलर यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हम लोग उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम डायग्राम की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखो जो पेरेंट अमीबा है, ये एक अमीबा से यहाँ पे उसका सेल डिवीजन हुआ, फिर यहाँ पे धीरे धीरे उसका सेल डिवीजन हो रहा है और यहाँ पे दो अमीबा फॉर्म हो गए। फिर दूसरा यहाँ पे पेरेंट पैरामीशियम है यानी जिस पैरामीशियम से वो फॉर्म होने वाला है। फिर यहाँ पे इस पॉइंट में देखिए, यहाँ पे वो दूसरा अपने जैसा फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उसके न्यूक्लियस से दोनों अलग अलग हुए और यहाँ पे दो अलग अलग डॉटर पैरामीशियम बन गए। ये है युग्लिना। युग्लिना जो है देखो, यहाँ पे पहले युग्लिना ऐसा था, फिर उसका वो थोड़ा थोड़ा उसके जो न्यूक्लियस के पास से डिवाइड होने स्टार्ट हुए, फिर ये स्टेज हुआ, वो लास्ट में यहाँ पे भी दो युग्लिना रेडी हो गए। अब जो अमीबा होता है, अमीबा में अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता, उसके न्यूक्लियस के पास है, जैसे ये है उसका न्यूक्लियस, पॉइंटर को आप देख सकते हैं, ये है उसका न्यूक्लियस,
अब न्यूक्लियस के पास है, चाहे ऐसा लाइन मारो, चाहे इसको ऐसा मारो, चाहे ऐसा मारो, चाहे जिस तरफ से मारो, लेकिन न्यूक्लियस बीच में होना चाहिए। कितना पार्ट होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग, इतने 6 अलग अलग न्यूक्लियर अमीबा रेडी हो जाएंगे। ऐसे टाइप के बाइनरी फ्यूजन को सिंपल बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। अब पैरामीसियम का एक फिक्स शेप होता है, पैरामीसियम जो होता है उसका फिक्स शेप होता है, उसके अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस होता है। ट्रांसवर्स यानी देख सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टली उसको डिवाइड किया है इसने, क्योंकि उसका एक फिक्स शेप होता है। वो यहाँ से उसको अगर मान लो कट करते हैं, मतलब हम एज एग्जांपल बोल रहा हूँ कट करते हैं, तो उसका न्यूक्लियस बीच में आता है, जिससे दो अलग अलग पैरामीसियम बनते हैं। और यूग्लिना को डायरेक्ट स्ट्रेट स्ट्रेट उसको डिवाइड करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। जो यूग्लिना में रिप्रोडक्शन का मेथड होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। और ये लोग मोस्टली अपना रिप्रोडक्शन तभी परफॉर्म करते हैं जब इनका इनको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जैसे कि फूड मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, वैसा कंडीशन वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, तभी इनके अंदर वो रिप्रोडक्शन होता है। फिर आगे है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन जैसे हम नीचे पहले डायग्राम को देखते हैं, डायरेक्ट मैंने पूरा एक साथ ओपन कर रहा हूँ, डायग्राम हम देखते हैं। सपोज ये एक अमीबा है, यहाँ पे शेप आप देख सकते हैं, ये अमीबा है। अमीबा क्या करता है, जब उसको कोई प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, जैसे कि फूड की कमी हो गई इसके लिए, तो ये क्या करेगा, ये अपने ऑर्गन्स को बंद कर देगा। और जो इसके लिए ये अपना क्या बोलते हैं स्यूडोपोडिया बनाता है, यानी इसके अलग अलग मूव करने के लिए ये स्यूडोपोडिया ऑर्गन्स बनाता है, उसका फॉर्म करना ये बंद कर देता है। फिर ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपने आप को ऐसे राउंड शेप में तैयार कर लेगा। राउंड शेप में तैयार करने के बाद अंदर उसके न्यूक्लियस का डिवीजन होना स्टार्ट होता है, उसके न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होते हैं। अगर हमको पता है, हमने अभी अभी जस्ट इसके पहले पढ़ा, अगर अमीबा न्यूक्लियस के पास से डिवाइड होता है तो जितने बार डिवाइड होगा उतने अमीबा उसके अंदर से फॉर्म होते हैं। तो ये बाहर एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग बना लेता है, ये ब्लूइश कलर जो दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और फिर जो ये कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सिस्ट। और अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म होने की वजह से अंदर बहुत सारे अमीबा भी फॉर्म हो गए हैं। फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन कोई मिलेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ेगा और उसके अंदर से बहुत सारे अमीबा बाहर निकलते हैं, उन्हें डॉटर अमीबा बोलते हैं। यानी इसने मल्टीपल फ्यूजन रिप्रोडक्शन यूज़ किया, यानी पहले इसको कंडीशन नहीं मिला जिसके वजह से ये अपने फूड वगैरह इसको नहीं मिला, इसने आउटर कवरिंग बना लिया, अंदर ही रिएक्शन करते गया जो भी था उससे, बाद में एक साथ रहने सारे अमीबा इसने बाहर निकाला, ये इसे बोलते हैं सिस्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं जो इस डायग्राम में दिख रहा, जो मैंने भी जस्ट एक्सप्लेन किया, वही यहाँ पे लिखा गया है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और नहीं भी पढ़ेंगे तो भी इस डायग्राम से आप उसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड है बडिंग। अब पहले से हम डायग्राम को ओपन करते हैं। पहले स्टार्टिंग में ये जो दिया है, ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट, ये जो है ये एक हमें एक्टिविटी करने बोला है कि मार्केट से आप ड्राई ईस्ट का पाउडर लेके आए, जो बेकिंग सोडा होता है उसे भी आप ड्राई ईस्ट बोल सकते हो, उसको करीब 50 ml, लूक वॉर्म का मतलब होता है गुनगुना पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, उबला हुआ पानी, उसे किसी कोनिकल फ्लास्क में लें, उसमें 5 g ड्राई ईस्ट मिलाएं, एक्टिव ड्राई ईस्ट, और उसमें 10 g टेबल शुगर भी यानी शक्कर भी उसमें ऐड करें। 1 घंटे तक उसे रखें, उसके बाद से उसमें 1 drop लें और उसे स्लाइड पे रख के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उसे देखना है। और हमें उसके अंदर क्या दिखता है कि कुछ यीस्ट सेल जो रहते हैं वे लोग अपना बडिंग प्रोसेस कर रहे हैं। यीस्ट सेल यानी पहले जो यीस्ट ये था इस टाइप का, फिर उसके बाद क्या हुआ उसके अंदर, जब उसके अंदर उसने शुगर को मिलाया, शुगर को मिलाने के बाद लूकवॉर्म के वजह से ये जो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोसेस इसको बोलते हैं बडिंग। फिर ये सपोज उसका ये न्यूक्लियस था, ये भी उसका न्यूक्लियस है और ये भी उसका न्यूक्लियस है, तो धीरे धीरे यहाँ से वो न्यूक्लियस स्टार्ट होना शुरू होता है, यानी बडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और बडिंग प्रोसेस के वजह से ये अपने जैसा ही सेम, यानी ये वाला जो मेन है ये है, ये वाला पार्ट है, ये वाला ये उसका पेरेंट बर्ड है, यानी पेरेंट
यीस्ट है, अब पेरेंट यीस्ट है, ये डॉटर यीस्ट हो उसमें से बनना स्टार्ट होते हैं, यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस के वजह से ही डॉटर यीस्ट तैयार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इसमें हम लोग ने पढ़ा ये जो प्रोसेस था कि पेरेंट यीस्ट से डॉटर यीस्ट तैयार होना, यानी उसमें एक एक के बाद एक वो अपना न्यूक्लियस बढ़ाते जाता है और उसका सफिशियंट ग्रोथ होता है तब तक जब तक वो लोग डॉटर सेल पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली पूरी तरह से वो लोग अलग नहीं हो जाते। फिर नेक्स्ट हमारा, अभी तक हम लोग ने ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर में हमने पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी अब तक यूनिसेलुलर था, अभी मल्टी सेलुलर है। इसमें पहला प्रोसेस है जो है वो फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंटेशन सबूत डायग्राम्स की हेल्प से मैं बताता हूँ, ये है स्पायरोगायरा। अगर ये एक स्पायरोगायरा को हमने यहाँ से तोड़ा, फिर उसको यहाँ से तोड़ा, तो कितना पार्ट हुआ, 1, 2, 3। अब इन तीनों को हमने अलग अलग प्लेस पे लगाया तो तीन अलग अलग नए नए स्पायरोगायरा प्लांट वहाँ पे बनेंगे। जो स्पायरोगायरा है वो एक टाइप का अलगे है। ये क्या करता है, जब इसका ये इसका बॉडी जब ब्रेक होता है अलग अलग फ्रैगमेंट्स में, तो हर एक फ्रैगमेंट इंडिपेंडेंट से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कुछ स्पायरोगायरा, स्पॉन्ज, ये सब भी अलग अलग टाइप से लोग भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वैसे वैसे वो तेजी से ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। फिर है रीजनरेशन, यानी फ्रैगमेंटेशन। आपको समझा होगा कि अगर कोई भी ऐसा कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे जैसे कि स्पायरोगायरा और एक स्पॉन्ज जैसे जिसको साइकोन बोलते हैं, जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो जितना बॉडी उनका ब्रेक होता है वो अलग अलग पार्ट फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है रीजनरेशन। सपोज ये है प्लानेरिया, डायग्राम से मैं पहले समझाऊंगा। प्लानेरिया का देखो, यहाँ पे जो हेड था उसको तोड़ दिया, बॉडी को रखा, पीछे इसको तोड़ दिया। अभी जो हेड है, ये देखिए जो हेड है, हेड के पास से नीचे का बॉडी पार्ट अपने आप बढ़ते चला जाएगा। अब जो उसका टेल था, टेल के पास से अपने आप उसका बॉडी पार्ट ग्रोथ होते चला जाएगा। यानी कि जैसे कोई भी छिपकली होती है, अगर उसका जो टेल रहता है, पूंछ रहता है, अगर वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसका पूंछ अपने आप वापस से ग्रो हो जाता है। वैसे ही रीजनरेशन में होता है। रीजनरेशन में अगर कोई भी जैसे प्लानेरिया जैसे एनिमल का अगर कोई भी बॉडी पार्ट अगर टूट गया दो पार्ट में, तो उसके अलग अलग पार्ट बाकी के जो उसके पीछे के पार्ट रहेंगे उसे या फिर आगे के पार्ट रहेंगे उसे अपने आप वो लोग रीजनरेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेट, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर में ये पॉइंट था रीजनरेशन। फिर इसमें भी एक पॉइंट आता है बडिंग। बडिंग जैसे कि यहाँ पे हाइड्रा, ये एक हाइड्रा प्लांट है। अब हाइड्रा में क्या होता है, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, यहाँ पे बडिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये लोग क्या करते हैं, इसी हाइड्रा जो ये है इसे बोलते हैं पेरेंट हाइड्रा, यानी मेन हाइड्रा। अब पेरेंट हाइड्रा का ही न्यूट्रिएंट्स यूज करेंगे ये लोग, इसी का ये लोग इसी से वाटर ये लोग लेंगे और इसी से कोई भी न्यूट्रिएंट्स ये लोग लेकर यहाँ से ये लोग बडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब ये बडिंग बड़ा, ये बर्ड जो है ये बड़ा होके एक न्यू हाइड्रा फॉर्म करता है। अब ये हाइड्रा न्यूट्रिएंट्स पे भी, वाटर पे भी, इसी पेरेंट हाइड्रा पे ही पेरेंट हाइड्रा पे ही डिपेंड रहेगा। और ये तब तक डिपेंड रहेगा जब तक ये इसका पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो जाता, और जब पूरी तरह से इसका ग्रोथ हो जाता है तब ये अपना इंडिपेंडेंट लाइफ परफॉर्म करता है, उसके बाद इसको किसी की जरूरत नहीं रहती है। तो ये था बडिंग प्रोसेस, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो मैंने डायग्राम में समझाया वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपने पोटैटो को देखा होगा, पोटैटो अगर कहीं पे रख दो, पोटैटो एक टाइप का रूट है, अगर उसे रख दो कहीं पे भी, तो उसमें एक पार्ट होता है इसको हम लोग आइस बोलते हैं, वहाँ से अपने आप उसका प्लांट उग जाता है। या फिर स्वीट पोटैटो या पोटैटो कोई भी लीजिए आप, ये जो मतलब वहाँ से कोई भी एक प्लांट अपने आप उग जाता है, ये उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। यानी वहाँ से उसने अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया और नया प्लांट बनाया जिसमें बहुत सारे पोटैटोज हमें मिलते हैं। ब्रायोफाइलम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रायोफाइलम लीव्स जो है, ब्रायोफाइलम का
उसे अगर आप लैंड पे रखते हैं, उसे फेवरेबल कंडीशन मिला और उसे सॉइल मिला, तो उसके कॉर्नर से मतलब साइड साइड से नए नए प्लांट उगना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब उसी ब्रायोफाइलम का ही सेम प्लांट्स उगना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही शुगर केन या फिर कोई ग्रासेस होता है, उनमें भी नोड्स के पास से बर्ड्स के हेल्प से नए नए प्लांट बनना स्टार्ट होते हैं। ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी उनके पास से जो उनका जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे रूट्स, स्टेम, लीफ, वहाँ से बर्ड्स स्टार्ट होते हैं, मतलब सॉरी बर्ड्स जैसे प्लेस्ट होते हैं, वहाँ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, उसे बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर है स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करने बोला है। एक वेट ब्रेड या फिर भाकरी लो, उसे ह्यूमिड प्लेस पे रखो, यहाँ पे नम जगह हो वहाँ पे रखो, कुछ दिन बाद देखोगे 2-3 दिन के बाद वहाँ पे फंगस उग जाएगी। अब उसे फंगस का थोड़ा सा पार्ट लो, उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रख के देखो, वो आपको कुछ इस तरह दिखते हुए नज़र आएंगे, या फिर ऐसे ही उसके ऊपर कुछ कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट रोए जैसे नज़र आएंगे, यही होते हैं फंगस। इनके ऊपर जो बॉडी का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंट जैसा होता है, पतले पतले धागे जैसे इसके ऊपर लगे रहते हैं, और ये स्पोर्ट्स होते हैं। जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है जैसे एयर वगैरह, तो ये उड़ के इधर उधर जाते हैं, और ये जहाँ पे भी पड़ते हैं वहाँ पे अपना कॉलोनी फॉर्म कर देते हैं, यानी वहाँ पे चारों तरफ ये लोग फंगस उगा देते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि स्पोर्ट्स जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस एंड न्यू फंगल कॉलोनीज फॉर्म, ये पॉइंट हमें याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो जर्म सेल के वजह से होता है। इसके पहले हम लोग ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल गैमेट्स होता है, ना ही फीमेल ना ही मेल, सिर्फ एक सिंगल गैमेट्स होता है उसके वजह से। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो जर्म सेल होते हैं, एक होता है फीमेल गैमेट्स, दूसरा होता है मेल गैमेट्स, यानी दो जर्म सेल्स। और इसके दो मेन प्रोसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला है गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट्स फॉर्मेशन में क्या होता है कि मियोसिस प्रोसेस है। मियोसिस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मियोसिस प्रोसेस में होता क्या क्या है। मियोसिस प्रोसेस से एक गैमेट्स फॉर्म होता है, और इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वे हाफ हो जाते हैं और हाइप्लॉयड गैमेट फॉर्म होते हैं। फिर है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो डाइप्लॉयड जायगोट फॉर्म हुए रहते हैं इस प्रोसेस में, वे हाइप्लॉयड मेल और फीमेल गैमेट्स के वजह से होते हैं। यानी इस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ हाइप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट्स के वजह से क्या फॉर्म होता है, डाइप्लॉयड जायगोट। अब ये जायगोट क्या करते हैं, माइटोसिस और एम्ब्रियो को डिवाइड करते हैं, सॉरी ये जायगोट जो होता है वो माइटोसिस के वजह से डिवाइड होता है और एम्ब्रियो फॉर्म करता है, और वही एम्ब्रियो जो होता है वही न्यू इंडिविजुअल का बॉन्ड करता है, यानी वही न्यू अपने जैसा ही नया स्पेसिस को बनाता है। मतलब गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, पहले मियोसिस प्रोसेस से गैमेट फॉर्म होता है, उसमें क्रोमोसोम्स नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है और हाइप्लॉयड गैमेट बनाता है। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हाइप्लॉयड मेल और फीमेल गैमेट जो ऊपर फॉर्म हुआ था उसके वजह से, उसके यूनियन से मतलब दोनों मिलते हैं, जिसके वजह से डाइप्लॉयड जायगोट फॉर्म होता है, और माइटोसिस प्रोसेस से जायगोट जो जायगोट इसमें फॉर्म हुआ डाइप्लॉयड जायगोट वो डिवाइड होता है, जिसके वजह से एम्ब्रियो फॉर्म होता है, उसे एम्ब्रियो के वजह से न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट यानी मेल और फीमेल पेरेंट इसमें होते हैं, और इसमें मेल गैमेट्स या फिर मेल पेरेंट के और फीमेल पेरेंट के फ्यूजन से ये होता है। इसके वजह से नया इंडिविजुअल जो बनता है, नया जो चाइल्ड बनता है या फिर ऑफस्प्रिंग जो बनता है, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के ही जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से कुछ सिमिलरिटीज़, यानी जो नया इंडिविजुअल बना है उसके अंदर की कुछ सिमिलरिटीज़ उसके पेरेंट से मिलती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलती है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके जेनेटिक वेरिएशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता है, लेकिन बहुत सारा डिफरेंट जेनेटिक भी सिमिलर होता है, और वे लोग
इन्वायरमेंट के वजह से अपने आप को बदलते हैं या फिर अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन भी करके रखते हैं। इसकी वजह से प्लांट और एनिमल अपने आप को ख़त्म होने से बचा पाते हैं। यानी जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेन प्रोसेस है, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे प्लांट और एनिमल अपनी स्पेसिस को बचा सकते हैं। अब पहले इसमें पॉइंट पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सबसे पहले हम डायग्राम को ओपन कर लेते हैं। इस डायग्राम को आप देखिए, यानी जो ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिया है इसको आप देखिए। इसमें सबसे पहले एक स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी इसका यहाँ पे है, एंथर फिलामेंट, फिर इसे बोलते हैं कैलिक्स, कैलिक्स यानी सेपल्स, और ये एंड्रोसियम इसका, और ये जाइनोसियम, कोरोला यानी पेटल्स। यहाँ पे मेल फ्लावर ऐसा होता है, इसका फीमेल फ्लावर ऐसा होता है। तो अब जरा हम इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसका स्ट्रक्चरल पार्ट हम लोग देखते हैं। इसमें फोर फ्लोरा वॉल्स एज अ कैलिक्स, यानी कैलिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ है कैलिक्स जो नीचे रहता है, ये ग्रीन पार्ट, किसी भी फ्लावर में नीचे ग्रीन पार्ट होता है, ये इसे बोलते हैं कैलिक्स। फिर कोरोला, कोरोला यानी पेटल्स, एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम, ये रहा एंड्रोसियम, ये रहा जाइनोसियम, ये सब के सब बाहर साइड यानी हमें बाहर से फिजिकली हमें दिखते हैं, ये यानी ये हमें फिजिकली दिखते रहते हैं। फिर एंड्रोसियम और जाइनोसियम को इसेंशियल वॉल्स बोलते हैं, क्योंकि ये लोग रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं, जबकि कैलिक्स और कैरोला जो होते हैं उन्हें एक्सेसरी वॉल्स बोलते हैं, क्योंकि ये लोग प्रोटेक्शन में यानी इनर्स वॉल्स जो होते हैं उनके प्रोडक्शन में काम करते हैं ये लोग। अब जो कैलिक्स कैलिक्स के साथ होते हैं उन्हें बोलते हैं सेपल्स, यानी जो कैलिक्स होता है उसे बोलते हैं सेपल्स, जो ग्रीन कलर में होता है, और कैरोला को बोलते हैं पेटल्स, यानी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पेटल्स। फिर कोई भी फ्लावर बायसेक्सुअल तब बोला जाता है जब उसके अंदर जो एंड्रोसियम और जाइनोसियम दोनों ही हो, यानी बायसेक्सुअल यानी उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं बायसेक्सुअल। जैसे कि हिबिस्कस फ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर में एंड्रोसियम और जाइनोसियम दोनों ही होते हैं। और कोई भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल तब बोला जाएगा जब उसमें से या तो कोई भी एक जैसे एंड्रोसियम हो या फिर जाइनोसियम हो। अगर एंड्रोसियम होता है तो उसे मेल फ्लावर बोलते हैं, अगर जाइनोसियम होता है तो उसे फीमेल फ्लावर बोलते हैं, जैसे कि पपैया। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें उनके अंदर स्टाक होते हैं सपोर्ट के लिए, जिसको बोलते हैं पेडिसल्स। डायग्राम को देख लेते हैं, स्टाक आप इसमें स्टाक तो नहीं दिखाते, लास्ट इमेज में था स्टाक, तो आप इसमें देख सकते हैं। फिर उसके अंदर क्या हमें पढ़ना है, जो फ्लावर विदाउट स्टाक के होते हैं उन्हें बोलते हैं सेसिल्स, यानी ये पॉइंट हमें याद रखना है, फ्लावर विदाउट स्टाक इज कॉल्ड सेसिल्स। और एंड्रोसियम जो होता है वो मेल वर्ल्ड होता है और उसके मेंबर्स को बोलते हैं स्टेमेन, और जाइनोसियम जो होता है वो होता है फीमेल वर्ल्ड, जिसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं कार्पेल्स। फिर जो जाइनोसियम के मेम्बर्स होते हैं उसे कार्पेल्स बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं। और जो ओवरी होता है वो हर एक कार्पेल के एंड में होता है, आप देख सकते हैं ये एंड में होता है। फिर हॉलो प्लेस यानी ये वाला प्लेस जो कि खोखला होता है, इसे बोलते हैं स्टाइल, यानी वो ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है। फिर स्टिग्मा, ये ऊपर वाला मेन पार्ट, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। फिर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक यानी इसी में होता है जहाँ से ये अंदर रहता है एम्ब्रियो सैक। फिर एम्ब्रियो सैक जो होता है वो मियोसिस के हेल्प से ओवूल फॉर्म करता है, और इनके अंदर हैप्लॉइड एग सेल होते हैं जो दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई उनके अंदर रहता है। फिर पोलन ग्रेन्स, ये रहा ऊपर पोलन ग्रेन्स, आप देख सकते हैं ये
दूसरे किसी के पास से, मतलब जैसे किसी मेल गैमेट्स है, कोई मेल फ्लावर है, वहाँ के पास से, वहाँ से ये पोलन ग्रेस उड़ के या फिर ट्रांसफ़र होके स्टिग्मा के ऊपर आता है, और इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी पोलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर से उड़ के इसके ऊपर आना, स्टिग्मा पे चिपकना, उसे बोला जाता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है, ये पॉलिनेशन अबायोटिक या फिर बायोटिक एजेंट के वजह से होता है, यानी वाइंड या वाटर उसे बहा के ले गया आएगा, या फिर कोई भी इंसेक्ट या फिर एनिमल्स उड़ के आएंगे, उसके ऊपर बैठेंगे और स्पोर्ट्स को लेके आते हैं, तो भी पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। जो स्टिग्मा होता है बहुत ही स्टिकी होता है, जब पॉलिनेशन होता है तो जो पॉलेंस होते हैं वे उसके ऊपर आके चिपक जाते हैं, और पॉलन ट्यूब में से वे मेल गैमेट्स फॉर्म करते हैं, और पॉलन ट्यूब क्या करता है, मेल गैमेट को पॉलन ट्यूब के थ्रू वो ओवरी तक पहुंचाता है, और वो एम्ब्रियो सैक और स्टाइल के थ्रू वो एम्ब्रियो तक पहुंचता है। जब कोई भी मेल गैमेट्स का जो एग सेल रहता है वो फीमेल गैमेट से मिलता है तो जायगोट फॉर्म करता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और जो सेकेंड मेल गैमेट रहता है, अगर वो दो पोलर न्यूक्लिया या फिर एंडोस्पर्म से मिलता है तो वो, सॉरी, अगर सेकेंड जो मेल गैमेट रहता है वो अगर दो पोलर न्यूक्लिया से मिलता है तो एंडोस्पर्म फॉर्म करता है, और वे दोनों न्यूक्लिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और इसी को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी पहला तो एक बार सिंगल फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन उसके अलावा भी उसके अंदर पोलर न्यूक्लिया होता है, अगर वो उससे भी मिल गया तो भी एंडोस्पर्म फॉर्म कर लेता है, और इसे बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ओवूल्स, जब कोई भी ओवरी में ओवरी का फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके अंदर से ओवूल्स डेवलप होते हैं, यानी प्लांट डेवलप होना स्टार्ट होता है, और वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, जो ओवरी रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जब ओवरी रहता है उसके अंदर से ओवूल्स डेवलप होना स्टार्ट होता है, ओवूल्स वही जाके आगे जाके प्लांट बनता है, और जो ओवरी रहता है वो बन जाता है फ्रूट। जब कोई भी सीड्स ग्राउंड पे गिरता है या और वो टूट जाता है, यानी जो उसका फ्रूट रहता है वो टूट जाता है, तब उसके अंदर से सीड बाहर आते हैं और वो मिट्टी से मिलते हैं और उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो उसके अंदर से जायगोट अपने आप फॉर्म हो जाते हैं, और उनका जो फूड रहता है वो सीड के एंडोस्पर्म में स्टोर हो जाता है, जिसके वजह से नए प्लांट्स बनते हैं, इसी को बोलता है सीड जर्मिनेशन। यानी ये सभी लोग समझ सकते हैं आराम से कि अगर कोई भी प्लांट का फ्रूट अगर मिट्टी में गिरा, लैंड पे गिरा, तो उसके सीड्स बाहर आएंगे, अगर वो सीड्स टूटा तो फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद उस सीड में से नए प्लांट्स उगते हैं, उसी को बोला जाता है सीड जर्मिनेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये एंड हुआ, यानी इसका पार्ट वन वीडियो हमने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके पार्ट टू, यानी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस हम कंप्लीट करेंगे, यानी पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी अपडेट आपको मिले और आपको ये चैप्टर सीखने में आसानी हो। तो दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर अभी जो लाइव चैट चालू है आप उसमें भी